तो हे गाइस, इस वाली वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि अगर आपने जेईई एडवांस की सिर्फ कट ऑफ पार कर ली है, मतलब जस्ट क्वालिफाई भी हो जाते हो, तो उसके बेसिस पर भी ऐसे कई ऑप्शन होते हैं जो कि खुल जाते हैं आपके लिए, मतलब अगर आप जेईई एडवांस की कट ऑफ भी पार कर लेते हो तो। ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होता है कि वो क्या ऐसे ऑप्शन है, क्या ऐसे मतलब एडवांटेज है कि अगर हमने क्वालिफाई भी कर लिया है जेईई एडवांस तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं। तो इस वाली वीडियो में हम इसी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलते हैं सबसे पहले पॉइंट की तरफ, और जो पहला पॉइंट है वो सबसे इम्पोर्टेंट है जो आगे आएंगे उनमें। ठीक, तो काफ़ी लोगों को पता भी होगा, काफ़ी लोगों को नहीं भी पता होगा कि ऐसे कई इंस्टीट्यूट हैं जो कि जेईई एडवांस के बेसिस पर ही एडमिशन लेते हैं, मतलब कई ऐसे कॉलेज हैं अदर देन IITs कि जो जेईई एडवांस के स्कोर को देख के ही अपने कॉलेज में एक तरीके से एंट्री देती हैं। अब सीधी सी बात है, जो जेईई एडवांस के बेसिस पर एडमिशन ले रहा है तो वो नॉर्मल कॉलेज तो होगा नहीं, सादा सिंपल। तो अब वो कौन कौन से कॉलेज हैं, मैंने बाकायदा सब लिखे हुए हैं, एक भी मिस ना हो जाए इसलिए, तो सभी आपको बताऊँगा। तो जो सबसे पहला और सबसे जो बेस्ट कॉलेज आता है श्रेणी में वो है IISc बेंगलोर। IISc बेंगलोर की NIRF रैंकिंग, रिसर्च इंस्टीट्यूट जितने भी इंडिया में हैं सबसे नंबर वन है, मतलब सबसे टॉप पर आता है। ऐसे कई कॉलेज में मैं बता देता हूँ, एक है IIPE विशाखपट्टनम, मतलब यहाँ पर पेट्रोलियम वगैरह। अब देखो मेन डिफरेंस क्या है फिर इसका कंपेरिजन टू IITs, उसमें ये होता है कि आप अपनी इच्छा से स्ट्रीम चुन सकते हो, कैसे किसी को CSE लेनी है, मैकेनिकल लेनी है, केमिकल, सिविल वगैरह जो भी लेनी है वो ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इनका एक तरीके से फिक्स होता है, ऐसे जो IIPE है उसमें सिर्फ आपको पेट्रोलियम ही पढ़नी पड़ेगी, अगर आपको लगता है कि मेरा इंटरेस्ट है नहीं तो, या फिर कॉलेज के बेसिस पर अगर आप जाना चाह रहे हो तो वहाँ जा सकते हो। ऐसे है एक IISER भोपाल करके, IISER पुणे में भी है, RGIPT रायबरेली में, मतलब ये देख सकते हो आप। अगर आप ये भी डालोगे कि कॉलेज एक्सेप्टिंग जे एडवांस स्कोर, तो नेट पर मिल जाएगा, उनके बारे में आप पूरा देख सकते हो और कब होने हैं एग्ज़ाम, या फिर एग्ज़ाम क्या वो तो जे एडवांस के बेसिस पर ही होते हैं, तो कब एडमिशन मतलब डेट वगैरह ये सब आप नेट से जाकर देख सकते हो पूरा। अब ऐसा नहीं है कि आपने अगर जे एडवांस की कट ऑफ पार कर ली है तो आपको एंट्री सीधी मिल जाएगी। एक तरीके से ऐसा है कि मान लो उस कॉलेज ने लिख रखा है कि हम मतलब जे एडवांस के स्कोर पर एडमिशन लेंगे, तो इसका मतलब है कि अगर जो जे एडवांस क्वालिफाई ही नहीं कर पाए तो उनके लिए तो स्पेशली क्लोज वहाँ पर लिखा होगा, मतलब लिखा क्या होगा एक तरीके से समझ लेना आप, कि वो तो मतलब जो जे एडवांस क्वालिफाई नहीं कर पाए उनके लिए तो नमस्ते, आप जाओ, बिल्कुल कोई वो ही नहीं है। लेकिन अगर जो जे एडवांस में कट ऑफ पार कर गई तो उनके लिए एंट्री है कि हाँ आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, मिलना ना मिलना वो बात की बात है। अगर सीट खाली रही तो थोड़ी कम रैंक भी होगी आपकी तो उस पर आपको मिल जाएगा, कम का मतलब ऐसे नहीं अंडर 100 ये सब नहीं, कम मतलब थोड़ी बुरी कह सकते हैं, हाँ जो भी, ठीक है। तो ये हो गया इस पूरा पहला पॉइंट के ऐसे कई इंस्टीट्यूट हैं कि उनमें आपको एडमिशन मिल सकता है जे एडवांस के स्कोर के बेसिस पर। अब देखो ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अब ये सब मुझको पता चल चुका है, मेरे टाइम पर मुझको बिल्कुल, देखो मैं क्या हुआ था, ऐसे जैसे ही मैंने जेईई एडवांस का रिजल्ट देखा मेरे नंबर थे 90 मतलब 90 स्कोर पर, और मेरी रैंक बनी थी 20,000 के करीब। अच्छा ठीक है, तो मतलब 20,000 पर चांस, अब IIT से तो दूर दूर तक कोई मतलब ही नहीं है 20,000 रैंक पर, लेकिन यहाँ पर चांस बन सकते थे कि हाँ मिल जाए कॉलेज, पहला नहीं तो दूसरा तीसरा तो आराम से मिल जाता। और मैंने इनके पैकेज भी, एवरेज पैकेज भी देखे, वो जो IIPE है दूसरे नंबर का कॉलेज उसमें मैंने एवरेज पैकेज देखा था, वो था 9.5 लाख के करीब, 9.5 लाख LPA मतलब पर एनम का। ठीक, तो अब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अब आप जल्दी से इसके लिए कोई एक्शन लें, क्योंकि अगर आपका जेईई एडवांस में इतना नहीं है रैंक कि आपको IIT मिल सके तो आप यहाँ पर ट्राई कर सकते हो। अब इसका जो दूसरा पॉइंट है वो तो सब लोगों को पता ही होगा, क्योंकि अगर जेईई एडवांस पार करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, लोग मतलब मैं एक तरीके से वो नहीं कर रहा, लेकिन लोग जेईई मेंस भी नहीं क्वालिफाई कर पाते। आपने जेईई एडवांस जो कि अगर अंडर ग्रेजुएट देखें तो इंडिया का सबसे हार्डेस्ट पेपर माना जाता है जेईई एडवांस को, ठीक,
उसमें आपने कट ऑफ पार की, मतलब उसमें क्वालिफाई हुए, वहाँ क्या था रेल पर लिखा था कि कॉन्ग्रेचुलेसन यू हैव क्वालिफाइड फॉर जे एडवांस, तो मैंने जैसे मेरा हुआ था ये क्वालिफाई, तो इतनी खुशी मुझे, तो मैंने वहाँ कहा था पूरा एकदम फेसबुक इंस्टा सब जगह लगाया था कि यस आई हैव क्वालिफाइड, मतलब एक फील आती है कि हाँ भाई हम जे एडवांस को फोड़ के बैठे, ठीक है रैंक अच्छी नहीं आई पर अपने आप में एक बहुत भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ मतलब समझ सकते हो, ठीक है। तो यही है कि मतलब जे एडवांस आपने अगर कट ऑफ भी पार कर लिए तो एक ठीक ठाक अपने आप में सेटिस्फाई मिलती है कि हाँ भाई हमने भी जे एडवांस क्वालिफाई कर चुके हैं। तो मैन तो ये दोनों ही थे जो भी फायदे वगैरह थे। अब तीसरा ये मान सकते हो कि ऐसे कहीं भी आप जा रहे हो, ऐसे मान के चलो आप टीचिंग लाइन में जा रहे हो, किसी कोचिंग में आप पढ़ाने गए हो, तो वहाँ पर अगर आप ये जे एडवांस का वो दिखाओगे कि हाँ मैं जे एडवांस क्वालिफाई कर चुका हूँ, तो उनको भी लगेगा कि हाँ एक मतलब क्वालिफाई कर चुका है तो एक ठीक ठाक टीचर होगा, टीचर बन पाएगा। तो उसमें ये है कि अगर आपकी सैलरी 20,000 होगी तो 20,000 से इसी के बेसिस पर जे एडवांस आपने क्रॉस कर चुके हैं उसी के बेसिस पर 20,000 से 25,000 हो जाए, मतलब इतना आप समझ सकते हो कि हाँ इतना तो जे एडवांस का रौला है। तो यही सब फायदे वगैरह जो भी मान सकते हो आप, सबसे मेन मैंने बताया था पहला वाला पॉइंट है वो सबसे मेन है, तो वही आपको अभी उसी में सर्च करना है नेट वगैरह पर। वो ऐसा नहीं है कि अगर आपकी जे एडवांस में ख़राब थोड़ी सी वैसी रैंक है तो आपको वो कॉलेज मिल जाएंगे, तो अच्छे से आपको सब चीज़ नेट वगैरह वेबसाइट पर देखना है सब। तो ये वीडियो में इतना ही, और जिस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो वो कमेंट में आप करते ही लिख ही देते हो, और जो भी डाउट हो वो कमेंट में पूछ लेना। बाय।